हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। तो वैसे बेगम साथ ही है मेरे, पर अंदर चले गई किसी जगह पे, बताता हूँ। तो हुआ ये है कि एज पर प्रॉमिस हमने कहा था कि हम यहाँ का जो चर्च है सिटी सेंटर का, वो हम आपको लाजमी दिखाएंगे। और गेस व्हाट, आज वही दिन है। ये देखिए कि आज हम आपको लेकर आए हैं कहाँ पे, उस चर्च में। रोमन कैथोलिक चर्च है, इसको कहा जाता है आवर लेडी ऑफ हंगरी को कैथीड्रल। तो ये एक रोमन कैथोलिक चर्च है जो कि हंगरी के सिटी सेंटर के अंदर, सिटी सेंटर मतलब कि सेंटर ऑफ द सिटी है, वहाँ पे ये मौजूद है। और बहुत ही प्यारा नज़ारा है, ये देखें, इसके चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। और इसकी दो मीनार हैं वो नियर अबाउट 100 से 150 फीट जो ऊंचे हैं। ये 1902 से 1904 तक बना, मतलब 2 साल लगे इसको बनाने के लिए। ये पीछे तक है, काफ़ी लंबा है। तो मैं अब आपको अंदर से जाके दिखाता हूँ। तो चर्च की जो एंट्रेंस है वही बहुत कमाल है। यहाँ पे फाउंटेन्स लगे हुए हैं इस साइड्स पे, बहुत प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं। ये इन्होंने बिल्कुल साफ शफाफ चश्मे बह रहे हैं, बहुत ही प्यारा एक टूरिस्ट नज़ारा है ये, जिसको लोग देखने के लिए आते हैं। ये देखें और इसकी साउंड देखें आप, इतना मज़ेदार लगता है। यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं घंटों घंटों, बैठ के इसका सिर्फ नज़ारा लेने की कोशिश करते हैं। और ये मैं इसके नीचे जाके खड़ा हो रहा हूँ और आप देखें ये कितनी ऊंचाई भी है। आप इसको करीब से देखें, ये इसको बने हुए नियर अबाउट 120 साल हो गए हैं। तो 120 ईयर्स ओल्ड दिस चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, जिसको कहा जाता है आवर लेडी ऑफ हंगरी को कैथीड्रल। ठीक है, तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको आपको अंदर से भी दिखाता हूँ कि अंदर से किस तरह का है। ये इसके फ्रंट बिल्कुल ये बनी हुई है, इसमें मैंने मजूसी दिखाए हैं और माँ मरियम और जीसस कोशिश की है। तो ये उन्होंने बहुत प्यारी इसकी वीडियोस बनाई, वो स्टैचू बनाए हुए हैं। और आई थिंक ये बिशप हैं, जोसेफ समासा, समासा नाम लिखा हुआ है इनका। इसका मैं साइड आपको दिखा देता हूँ, इस साइड से भी काफ़ी बड़ी है। ये देखिए पीछे तक अगर आप जाएँ तो ये है इतनी बड़ी। मैं आपको साउंडिंग्स भी दिखा देता हूँ क्या क्या है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाए तो वहाँ पर ग्रीक कैथोलिक चर्च भी है। फिलहाल मैं आपको ये दिखा देता हूँ, वो सामने सिटी सेंटर का है। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। अंदर जाने के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, तो देखते हैं अंदर क्या है। अंदर जाते हैं, साइलेंस कंपैशन। उसी साइड भी दिखाता हूँ क्या है उसके उसी साइड है। माजर चाहता हूँ कैमरा क्वालिटी की वजह से आपको इसका रूफ दिखाता हूँ इनकी। बहुत ही प्यारा नज़ारा, खुशगवार नज़ारा जो आपके ईमान को बढ़ाता है, आपको प्राउड फील करवाता है। आगे जाके देखते हैं साइडों से। Now, what a wonderful day.
his giruf. बेगम हमारी वहाँ पर देखे खेल रही है पानी के साथ, हमारी नहीं मेरी बेगम। तो आज के चर्च की वीडियो के साथ हमारा जो हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि हम ज़्यादा कंटेंट आपको दे सकें, ठीक है। और हम आपको ज़्यादा वीडियोस और भी चर्चेस की और ब्यूटीफुल प्लेसेस जो यहाँ पे नज़र आए यहाँ पे हैं हम वो आपको दिखा सकें। तो हमें बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, हमें कमेंट में बताइएगा कैसी वीडियो लगी आपको और चर्च कैसा लगा एंड हाउ यू फील अबाउट इट, ओके। और अपनी माँ को प्यार करें, अपनी फैमिली को प्यार करें, उनके साथ रहें जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ ऊपर हुआ सर, ये पता नहीं क्यों। तो बिकॉज आई मिस माई फैमिली, शी मिस हर फैमिली, बट स्टिल चलें कोई बात नहीं है। तो प्यार करें और उनके साथ रहें अच्छे तरीके से और एक दूसरे के साथ रहें, कोरोना से बच के रहेंगे। देखें, bye-bye.